हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मनीष किशवानी। तो आ गए हैं दिल्ली में। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ गाइस, वो इंसिडेंट आपका शेयर करना चाहता हूँ। ओयो में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है गाइस। मैंने बुकिंग करके रखा था 30 मई को। तो अभी मैं आके देखता हूँ, जब मैं दिल्ली में आया, मैं जब रात को लैंड हुआ यहाँ पे प्लेन से, मैं 12 बजे कैब लेके सीधा रूम के लिए निकला। तो रूम में आके देखता हूँ वहाँ पे कोई होटल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा एक नहीं, बहुत बार मैंने देखा कि ओयो के और भी मैंने होटल सर्च किए, वो होटल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है ओयो का, कि वो लोग पैसे ले ले रहे हैं, पहले एडवांस बुकिंग ले रहे थे। और मैंने कैब ड्राइवर से पूछा, उन्होंने मेरे को बताया कि सही में ऐसा हो रहा है कि बहुत लोग ऐसे आते हैं ओयो के, उनको रूम ही नहीं मिलता है, होटल ही नहीं मिलता है। और वो भी मैंने कॉल किया तो वो लोग बोलते हैं कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आजू बाजू में आपको कहीं भी रूम अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो गाइज़ ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है ओयो का, तो आप सेफ़ रहिएगा। अदर कोई भी वेबसाइट आप यूज़ करिए, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ओयो बिल्कुल मत यूज़ करिए। तो आज है गाइस 9 जून, अभी सिर्फ 1 डे आउट टू HSA एक्सपो से। तो आज है डॉप टेस्ट, एंड ड्रग टेस्ट करेंगे कि आपने स्टेरॉइड लिया है नहीं लिया है, सबका करेंगे। तो अभी जा रहा हूँ, बस बहुत लेट हो गया गाइस। रूम ढूंढते ढूंढते मुझे रात के 2:30 बज गए गाइस। मैं 12:30 बजे पहुँच जाने वाला था रूम पे, लेकिन मुझे 2:30 बज गए, मेरा प्लेन 12 बजे लैंड हुआ था। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। यानी रात को वो लोग छोड़ दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। लेकिन सजेस्ट करूँ कि ओयो बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। अभी फ्रेश होके सीधा निकलता हूँ प्रगति मैदान, वहाँ पे मिलेंगे आपसे, देखते हैं कौन कौन मिलता है। तो ड्रग टेस्ट आपको पूरा दिखाऊंगा, चलिए। तो आ गया हूँ गाइस ड्रग टेस्ट कंप्लीट करके। ये बैंड मिला है, और ये बैंड बोला है उन्होंने कंपटीशन के बाद ही निकालना है। तो ट्रंक नंबर में मिला है 178, और ये सर्टिफिकेशन मिला है। मेरे को एक चीज़ बहुत गलत लगी सर्टिफिकेशन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन बॉडी बिल्डिंग को काट के मेंस फिजिक लिखा है। गाइस इतना बड़ा कंपटीशन ये लोग करवा रहे हैं और ये हरकत कर रहे हैं। एटलीस्ट प्रिंटेड अच्छा होना चाहिए था, कि इतना बड़ा कंपटीशन है, प्रिंट तो अच्छा होना चाहिए था। और बाकी सब अरेंजमेंट इस बार इम्प्रूव की गई थी। नेक्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि किसी का भी यूरिन कुछ भी हो रहा था, इस बार प्रॉपर था। पहले हमको चेक किया गया, उसके बाद हमको अंदर भेजा गया। फिर आईडी कार्ड प्रूफ वूफ देखने के बाद मेज़रमेंट की गई सबसे पहले। मेज़रमेंट के बाद उसके बाद मेरा ब्लड सैंपल लिया गया। ब्लड सैंपल के बाद जैसे मैं आगे गया तो मेरे को यूरिन सैंपल के लिए डब्बी दी गई। यूरिन सैंपल जब मैं देने कलेक्ट करने जा रहा था, तब वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपरली चेक कर रहा था कि कोई और सैंपल तो नहीं लेके जा रहा है। चेक करने के बाद एक जन कोई वॉशरूम में जाने दे रहे थे। उसके बाद बाकायदा चेक करके यूरिन सैंपल लेके जब उनको कलेक्ट करके दिया, देन सैंपल देने के बाद नेक्स्ट काउंटर पे जाने के बाद वहाँ मुझे ये ट्रंक नंबर मिला, ट्रंक नंबर 178। तो काफ़ी चीज़ें गाइस थी जो इम्प्रूव की गई है। लास्ट टाइम जो गलतियाँ की थी इन्होंने, कि प्रॉपरली ड्रग टेस्ट नहीं कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें थी जो इम्प्रूव की गई थी, जैसे कि ये सब चीज़ें, सिक्योरिटी गार्ड रखना, वॉशरूम वगैरह, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की गई थी। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, कि प्रॉपरली वाटर का ध्यान नहीं दे रहे थे, पानी ख़त्म हो जाता था, बार बार पानी के लिए बोलना पड़ रहा था। एटलीस्ट आप इतने गेस्ट को बुला रहे हो तो वाटर की सर्विस तो अच्छी, तो लोग इतने काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं आप लोग के, आपके गेस्ट आ रहे हैं, इतना गाइस इतना कमाया जिस सिलाल ने, बिजनेस ही है गाइस, आप जानते हैं कि बिजनेस ही है, इतना अर्न किया शो से। एटलीस्ट एथलीट के लिए, एथलीट्स जो आपके आ रहे हैं उनका थोड़ा सा उन पर और ध्यान देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस, तो सही था कि सब कुछ ठीक से हुआ। नेचुरल एथलीट का यही गोल रहता है गाइस, कि जब मैं नेचुरल हूँ, मैंने नेचुरली मेहनत की, मैं 6-7 साल से नेचुरली मेहनत कर रहा हूँ। तो जो इनायंस वाला बंदा आ रहा है, वो दो साल में आके वो कंपटीशन जीत के जाएगा, वो चीज़ सबसे गलत है। तो टेस्ट वगैरह तो सब अच्छे से हुए, देखने वाली बात ये रहती है कि कितने लोगों को पकड़ते हैं, कितने लोगों को पकड़ते हैं कि कितने लोग इनायंस थे। इनायंस लोग आके नेचुरल एथलीट के सामने कम्पीट करेंगे तो ऑब्वियसली बात ये फेयर कॉम्पिटिशन नहीं होगा। फेयर कॉम्पिटिशन तब होगा जब सिर्फ नेचुरल एथलीट वहाँ कम्पीट करेंगे। चेकिंग तो अच्छे से की गई, लेकिन रैंडम टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, रैंडम टेस्टिंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए। देखते हैं अभी क्या इंप्रूवमेंट ये करते हैं इस साल। तो ये टेस्टिंग तो अच्छे से होगी, एज एन एथलीट सेटिस्फेक्शन तो रहता है कि नेचुरल एथलीट ही कम्पीट करेंगे। तो आज का इस शो डे है, आज की 10 तारीख है, तो आज मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं इतना थक गया था कि कल मैं शूट कर ही नहीं पाया। तो एक्सपीरियंस सही था, टेस्टिंग वगैरह सब अच्छे से हुई, और काफ़ी लोगों से मिला, यश शर्मा भी आए हुए थे, रोहित से भी मिला, अच्छा लगा मिलके, काफ़ी हम्बल लोग थे, सही से रिस्पॉन्स दिया। जिस सर से भी मिला, जिस अच्छा लगा मिलके, शूट नहीं कर पाया क्योंकि शूटिंग के लिए कोई था नहीं, तो शूट नहीं कर पाया ज़्यादा वीडियोज़ वहाँ के। जो भी है गाइस यही है, और इतना ही आप जितना दिखा सका बस उतना आपको दिखाने की ट्राई किया। आज शो डे है गाइस, आज का पूरा वीडियो आपको मिलेगा, तो देखते हैं आज क्या होता है।
क्या रिजल्ट आता है, प्री जजिंग में क्या होता है। तो आज है शो डे, मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।